हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, कौन सा है ये? चैप्टर नंबर 7 है और इस चैप्टर का नाम है ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स एंड एम्बेडेड फिगर्स। चलिए तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ देखिए बहुत से लोग मुझे QR कोड पे करते हैं, तो आप भी अगर पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पे कर सकते हैं। आप इसे स्कैन करके जो भी इस पैसे सेंड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्त की बात नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो करिएगा, नहीं करना चाहते तो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 5 एप्पल ईच, इफ़ देयर आर 4 एप्पल इन ईच प्लेट देन फॉर्म द एप्पल। तो देखिए आपको करना क्या है कि ये 4 एप्पल रखे हुए, लेकिन आप इसमें करना क्या है कि आपको 5-5 एप्पल का ग्रुप बनाना है। तो पहले हम गिनेंगे कितना है, 1, इसमें 4 एप्पल, इसमें 4 एप्पल, इसमें 4 और इसमें 4, तो 4, 8, 12, 16, 20, तो टोटल कितने हो गए, 20 20 एप्पल हो गए। 20 एप्पल को हमें 5 के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो 5 सिर्फ 20 को डिवाइड, 5, 4, 20, तो कितने ग्रुप बनेंगे, 4 ग्रुप्स बनेंगे। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 4। अगला, यहाँ पे 5 बटरफ्लाई की आपको बनानी है, कितने ग्रुप बनेंगे? तो देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, 5 ग्रुप का ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 ग्रुप का ये हो गया, फिर यहाँ पे 5 बनाया तो 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने ग्रुप बने, 3 ग्रुप बने। तो इसका आंसर हो गया 3। और वैसे भी आप इसको काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है, 15 में आपको कितने का ग्रुप बनाना है, 5 का ग्रुप बना, तो 5 से डिवाइड करते, 5, 3 ज़ा 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 ग्रुप बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे 3 कैट्स का आपको ग्रुप बनाना है। तो पहले हम गिनेंगे कि कैट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इसमें, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, इस ग्रुप में भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो टोटल कितनी कैट हो गई, 5, 6 ज़ा 30, 30। देखिए कैसे, 5, 5, 10, 10 और इधर 10, इधर 10, तो 30 हो गया। 30 को आपको कितने ग्रुप में बनाना है, 3 के ग्रुप में, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3, 10 ज़ा 30, तो कितने ग्रुप बनेंगे, 10 ग्रुप बनेंगे, 10 ग्रुप्स बनेंगे। अगला, यहाँ पे आपको बताना है कि 3 इक्वल ग्रुप हो 9 के, वो भी तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है, तो 9 का आप चाहिए था ना ग्रुप, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9 के जैसे कितने, 3 इक्वल ग्रुप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको बताना है कि 2 ट्रायंगल का ग्रुप कितना होगा। तो पहले हमें गिनना पड़ेगा कितने ट्रायंगल हैं यहाँ पे, तो गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पे 14, तो टोटल कितने हैं, 14 ट्रायंगल हैं, 14 ट्रायंगल को आपको 2 के ग्रुप में बांटना है, तो इसको डिवाइड, 2, 7 ज़ा 14, तो कितना बनेगा, 7 ग्रुप बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 7। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो 2 नंबर है वो कहाँ पे है, तो 2 नंबर देखिए सिर्फ और सिर्फ ग्रुप क्यू में है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यू। बाकी और ग्रुप पी में, ग्रुप आर और ग्रुप एस में 2 नंबर है ही नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि से हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 4 मैंगोज ईच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन फ्रूट। तो देखिए मैंगो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो जब मैंगो है नहीं तो मैंगो का ग्रुप भी नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या होगा कि 0 बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 0। अब यहाँ पे आपको 5 बॉटल का आपको ग्रुप बनाना है, तो कैसे आप बनाएंगे, पहले आप काउंट करना पड़ेगा कितने बॉटल हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने ग्रुप हैं, 15 है, 15 है, 15 को किससे डिवाइड कर दीजिए आप 5 से, क्योंकि 5 का ग्रुप चाहिए, तो 5, 3 ज़ा 15, यानी कितने ग्रुप बनेंगे, 3 ग्रुप बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यहाँ पे 2 का आपका ग्रुप बना है, तो देखिए आप ऐसे ही बना सकते हैं, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवां और दसवां, तो कितने ग्रुप बने, 2 के 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि क्वेश्चन में कितना पूछा था कि 2 टॉय का ग्रुप होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, स्टार को आपको 3 के ग्रुप में करना है, तो आप कैसे करेंगे, ऐसे भी, चलिए ये वाला भी मेथड बता दे रहा हूँ, पहला ग्रुप, इसके बाद यहाँ पे दूसरा ग्रुप, फिर यहाँ पे तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पाँचवा ग्रुप और ये छठा ग्रुप, तो कितने ग्रुप बनेंगे, 6 ग्रुप बनेंगे 3 स्टार के, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 4 के ग्रुप को आपको बनाना है, बटरफ्लाइज का 4 का ग्रुप बनाना है, तो 4 का ग्रुप देखिए, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप,
और ये तीसरा ग्रुप, तो टोटल कितने ग्रुप बने? थ्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्री। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अंजलि हैज सम चेरीज एट द गिवन, हाउ मेनी चेरीज आर ईच ग्रुप? फोर, फोर का ग्रुप बनाना है। तो देखिए, पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो कितने ग्रुप बने? फाइव। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइव। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन 13-14 में क्या कह रहा है कि इसमें कितने ग्रुप हैं। तो देखिए, ये सिक्स का ग्रुप है और सिक्स का ग्रुप कितना है? टू का, सॉरी, दो ग्रुप है। पहला ग्रुप ये और दूसरा ग्रुप ये, सेकंड ग्रुप और ये फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में कितने हैं? सिक्स, और सेकंड ग्रुप में भी हैं सिक्स। तो क्या हो जाएगा? टू ग्रुप्स ऑफ सिक्स। यहाँ पे देखिए, पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो यहाँ पे कितने ग्रुप हैं? पांच ग्रुप हैं। और कितने के हैं? टू के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइव ग्रुप्स ऑफ टू। अगला 15 नंबर, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो फिगर है वो एग्जैक्टली यहाँ पे है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे? देखिए, ये फिगर आपका कहाँ पे, ये मैं आपको बताऊँगा। देखिए, यहाँ पे है ये फिगर, ये फिगर आपका यहाँ पे है 16 नंबर। 16 नंबर वाला फिगर आपका ए कहाँ पे है? देखिए, ये यहाँ पे है। अगला 17 नंबर, 17 नंबर का जो फिगर है वो कहाँ पे है? वो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पे है? देखिए, इस तरीके से बनेगा, मिल गया ये फिगर। अगला 18 नंबर, 18 नंबर पी आपको कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, लेकिन ठीक है, चलिए ये ऐसा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा राउंड हो जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, अच्छा बना ही दे रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे है। अब इसके बाद ये वाला कहाँ पे है, जो आप ये फिगर देख रहे हैं एक्स वाला, ये आपका यहाँ पे है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए, फोर का ग्रुप आपको बनाना है। आप कैसे बनाएंगे? पहले हम एक काम करते हैं, इसको काउंट ही कर लेते हैं, या आप अगर इस तरीके से करना चाहते तो ऐसे भी कर लीजिए। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा, पांचवा, छठा, और देखिए यहाँ पे ये फोर बचा हुआ है, सातवां ग्रुप। तो फोर फोर का कितना ग्रुप बना? सेवन ग्रुप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे देखिए, फोर का ग्रुप बनाना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ये आप पढ़िएगा कि हाउ मेनी बर्गर्स इन द ग्रुप्स। तो मैं बस डायरेक्ट बताऊंगा कि यहाँ पे क्या लिख रखा है, कितना ग्रुप करना है, क्या इक्वल नंबर है, ये सब तो आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पे फोर का ग्रुप बनाना है। फोर का ग्रुप हम कैसे बनाएंगे? पहले हम टोटल को काउंट करेंगे, या तो आप बना लीजिए ऐसे ही, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और ये चौथा ग्रुप। तो कितने ग्रुप बने? चार। तो इसका आंसर हो जाएगा चार। अब वैसे भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप पहले काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। 16 है, 16 को कितने ग्रुप में करना है आपको? फोर ग्रुप। तो फोर से डिवाइड कर दीजिए, फोर के टेबल में 16 का होता है, 4, 4 जा 16। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर। क्वेश्चन 22, इमीडिएट फिगर आपका कहाँ पे दिख रहा है ये? इसका आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ पे? देखिए, ऐसे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 23, 23 में आपका ये वाला फिगर कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, कहाँ पे? ये देखिए। अगला, फाइव ग्रुप ऑफ बॉटल्स ईच कैन बी फॉर्म ड्यूरिंग द बॉटल्स। फाइव ग्रुप का बॉटल आपको बनाना है। कैसे आप करेंगे? पहले हम टोटल को काउंट करेंगे, ठीक है। टोटल को काउंट करेंगे तो कितना है, काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 है, 20 को हमको किससे? 5 की जरूरत। तो 5 से डिवाइड कर 5, 4 जा 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। अब ये फिगर आपको कहाँ पे मिलेगा? देखिए, ये वाला फिगर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? देखिए, ये है, ये फिगर आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, 26 नंबर।
थ्री के टेन का ग्रुप आपको बनाना है। तो चलिए एक बार ग्रुप वाला कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीन ग्रुप हो गए, ये चौथा ग्रुप, ये पांचवा ग्रुप, ये छठा ग्रुप, क्योंकि तीन तीन का ग्रुप बनाना था, तीन के कितने ग्रुप बने, सिक्स ग्रुप बने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्स। अब यहाँ पे फोर मैंगो का ग्रुप बनाना है, तो आप ऐसे ही कर लीजिए इसको डायरेक्ट, वन टू थ्री, कितने ग्रुप बने, थ्री, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे एम्बेडेड फिगर देखिए कौन सा है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे ये फिगर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 29 नंबर, 29 नंबर पे जो एम्बेडेड फिगर है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे दिख रहा है ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे थ्री मैंगो का आपको ग्रुप बनाना है, कैसे बनेगा ये, तो या तो आप पूरा काउंट कर लीजिए, तो काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, और ट्वेल्व, और ट्वेल्व ऊपर और ट्वेल्व नीचे, तो कितना 24, 24 को कितने ग्रुप में, थ्री ग्रुप में, थ्री के टेबल में 24 का बताया, एट टाइम्स एट फोर या 24, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एट। यहाँ पे थ्री ग्रुप का आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखिए, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा, चौथा ग्रुप, ये पांचवा ग्रुप और ये छठा ग्रुप, तो कितने ग्रुप बने, छः, ऑप्शन नंबर बी। फाइव ग्रुप आपको बनाना है रिस्ट वॉच का, तो कैसे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, तो कितने ग्रुप बने, दो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी बी, ऑप्शन नंबर सी टू। अब यहाँ पे फाइव नेकलेस का आपको ग्रुप बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप, तो ग्रुप वाले मेथड से करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, पहला ग्रुप, वन टू थ्री फोर फाइव, दूसरा ग्रुप, वन टू थ्री फोर फाइव, तीसरा ग्रुप, और इधर ये चौथा ग्रुप, तो फाइव वाले कितने ग्रुप बने, फोर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर। और अभी भी दो क्वेश्चन बच रखे हैं, इनको करना है, चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कौन सा फिगर इसमें एम्बेडेड है, ये वाला फिगर आपको कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में, देखिए कहाँ पे, ये देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फोर ग्रुप ऑफ व्हील्स कैन बी फॉर्म्ड इन द गिवन व्हील, फोर का ग्रुप बनाना है, तो कैसे आप बनाएंगे, पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइव। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ ये मेरा QR कोड है, अगर आप कुछ सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कैन करके सेंड कर सकते हैं। फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।